देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। तो मोदी जी बोल रहे हैं, अरे भाई ऐसे ना मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूं आप मुझसे चिपक रही थी तो मान लोगी? कहना क्या चाहेंगे कि देखिए, सुरक्षा का जो माहौल, असुरक्षा का जो माहौल बना हुआ है इस देश में, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत घातक है। और मेरे को इतना अफसोस है इस देश के लोगों की मानसिकता पर, क्योंकि ये जो अभी सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं आप, ट्रेंड चल रहा है कि साक्षी मलिक और ये विनेश फोगाड़ो, ये लोग पहले क्यों नहीं बोली, यही बात हमारा मोटा भाई भी बोल रहा है कि पहले क्यों नहीं बोले, अभी क्यों याद आई, ठीक है। तो अब कैसा है कि ये मोटा भाई, ये देश में तो दो ही जन है, एक लोटा भाई है एक मोटा भाई है, और मैं लोटा भाई जो हमारे प्रधानमंत्री को कहता हूँ, और वो इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियाँ लोटे में पूरे देश में घुमा दिया था वोट के लिए। तो ये लोटा भाई और एक मोटा भाई है, और मैं ये तो बार बार जो कहा जा रहा है कि हम दो हमारे दो की सरकार भी है, जो दो खरीद रहा है दो बेच रहा है, यही एक देश में ये बहुत ज़्यादा एक अराजकता जो माहौल बना हुआ है, जो अभी कर्नाटक इलेक्शन में भी आप लोग देख रहे हो कि बजरंग बली की एंट्री हो गई है, अब श्री राम के नाम पर वोट मिल नहीं रहा है तो बजरंग बली की एंट्री हो गई है। मुझे तो ये अफसोस है कि कहीं ये कश्मीर में अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, वहाँ होगा तो ये अल्लाह अकबर भी चिल्लाएगा वोट के लिए। तो ये एक चीज़ हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो देख रहा है कि अंधभक्त बच रहे हैं कि ख़त्म हो गए। अगर ये कर्नाटक का चुनाव जीत गया, अगर सपोज दैट, तो मुझे लगेगा कि अंधभक्तों की जो है ना पुनर्जन्म फिर हो गया, जो 14 में एक बहुत ज़्यादा की तादाद में अंधभक्त की पैदावार हुई थी। और मैं इस पर लिखा भी था और ये मैडम के ही चैनल पे मैंने उस चीज़ को सुनाया भी था, और मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से सुना दीजिए कि यही है कि इन्होंने जैसे कि चुनाव कैसे जीतते हैं मोदी जी, ये इनका मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ, और वही चीज़ मैंने बताई थी और अभी वापस भी बताता हूँ कि जो मोदी जी हैं हमारे, उनके चुनाव जीतने का जो फंडा है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं, तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाकी है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आपको पता है गाय के नाम पर वोट, तो उस पर भी मैंने लिखा था, मोदी जी कहते हैं अपने अंधभक्तों से कि मैं भला हूँ बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बछिया के ताऊ रहे, ताऊ मतलब समझ रहे हो ना, रात दिन हल चला कर न गैरत जगी, चंद पैसों में हर दम बिकाऊ रहे, तुम परेशान रहो बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुर भुराता रहूं, ये हाल है बस। अच्छा, आप पहलवान जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, 15 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्रवाई ठीक ढंग से तो नहीं की गई है, क्या कहेंगे इस पर? वो इसलिए वो ये मैं कहूँगा कि अभी तक कोई मरा नहीं है, अब मोदी जी मौत देखकर बहुत खुश होते हैं,
आपको पता होगा कि एक साल डेढ़ साल पहले यही जंतर मंतर पर किसान भी आए थे और 750 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद वो बोले कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। तो अभी कैसा ये अभी जब यहाँ पर आंदोलन बढ़ेगा पब्लिक लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मैडम जी, तो वो कैसा है कि जब तक वो मौत देखते हैं तो खुश होते हैं कि चलो और मौत हो गई, फिर वो बोलते हैं अब तपस्या में कमी रह गई। तो अभी मौत हुआ नहीं है, तो अभी तपस्या में लगे हुए हैं, फिर बाद में आएंगे टीवी पर। बिजभूषण शरण सिंह जेल में जाएगा, क्योंकि मैं देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं, ये थूकते हैं फिर चाटते हैं। तैयारी करने का विपक्षियों का सभी यूनिटी यहाँ पे, सभी विपक्षी दल यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन सत्ताधारी लोग? अच्छा एक बात बताए, विपक्ष मैं आपको बताऊँ, विपक्ष का ये इस 9 साल की सरकार में विपक्ष का मतलब है ना, विपक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ख रह गया है। मैं आपको बार बार मैं ये बात बहुत पहले से लिखता हूँ, वायरल भी होता है विपक्ष मूर्ख तो, है तभी तो बीजेपी सत्ता में आ रही है। सुनिए तो लोकतंत्र आज है क्या, मैं आप लोग से सवाल कर रहा हूँ, आपको लग रहा है लोकतंत्र जिंदा है? लिसन टू बोल रहे हैं आप, इतना बोल रहे हैं तो लोकतंत्र जिंदा है तभी तो आप बोल रहे हैं। अच्छा तो बोलने वाले ही तो अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं। आप कहाँ अंदर गए, कहाँ क्यों नहीं जाएंगे? ईवीएम पे सवाल उठा रहे लगता है आप कौन? नहीं देखिए एक बात बताऊँ क्या, अरे हम डरते नहीं है, डरते नहीं है। ये भगोड़ा प्रधानमंत्री से हम डरेंगे क्या? ये भगोड़ा आदमी है, कब बीवी छोड़कर भागा, जंगल में 35 साल भीख मांगा, फिर संसद में विपक्ष ले, नहीं निजी के निजी टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन भाग रहा है बताओ मुझे? ये निजी टिप्पणी है, संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन भाग रहा है? नहीं नहीं मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आपने निजी टिप्पणी की बात की, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन जवाब देने से कौन भाग रहा है? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे थे, किनका बंद किया गया है? खुद को ही पप्पू बोलते हैं उनका। अरे पप्पू देखिए पप्पू की बात ही नहीं, वो पप्पा है, पप्पू नहीं है, ठीक है? कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी मैं ये बार बार कह रहा हूँ ना कि इस देश जिस देश में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिस देश के अंदर अगर महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे, तो आप समझ जाइए कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। कौन से महापुरुष को अपराधी बना दिया? आप मुझे बोलने दोगे? बताइए आप गोदी मीडिया हो क्या? सवाल तो मैं वही पहला, मेरा बात तो मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। हाँ आप अगर लग रहा है मोदी मीडिया है तो वो मैं आपके आपकी जबान मेरे मुंह में नहीं आ सकती, नहीं तो आप ही तो मेरी बात तथ्यों पे तो बात करिए ना, कारण तो दीजिए हमें, तो मैं बोलने तो दीजिए। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसी गोदी मीडिया। हाँ क्योंकि आप अपना अपना बात मेरे मुंह के अंदर जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं। मैं तो मैं कौन कर सकता हूँ? आप लोग करते हो यार, अभी हो रही है सबके सामने हो रही है तानाशाही। मेरा कहना है मेरा अभी आंदोलन में मेरा कहना है कि विपक्ष की बात कर रहे हो आप लोग, मैं विपक्ष को मुर्दा समझता हूँ, वो इसलिए कि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं, एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। तो ये 3 जिम्मेदार हैं इस देश की लोकतंत्र के। आज हम जनता हैं, हम जनता को आकर के बोलना पड़ रहा है। आज आपको पता ही है ना कि मीडिया भी कॉइन बॉक्स है, पहले पान की टपरी पर जो है कॉइन की कॉइन बॉक्स लगी रहती थी, वो 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 मिनट का टॉक टाइम दे रहा था। आज ये बड़े बड़े ओवीवीएन लेके घूमते हैं और इसमें करोड़ों डाला जाता है, तब ये करोड़ों रुपए का टॉक टाइम दे रहा है सरकार के लिए। करोड़ों रुपए का टॉक टाइम तब सोशल मीडिया ने कर दिया, वोट भी आप लोग ही देते हैं। सोशल मीडिया की क्या बात करें यार, अभी तो मनीष कश्यप का देखे ना हमने, हाँ तो क्या बात करेगी सोशल मीडिया ईमानदार है? बड़े समर्थक के बावजूद इसके जेल चले गए, अब बताइए बीजेपी कितनी निष्पक्ष है इससे पता चलता है। बिहार में तो वैसे भी नीतीश कुमार और गठबंधन की सरकार बिहार में, क्या मतलब क्या इशू है? अगर जहाँ गठबंधन की सरकार है वहाँ आपको इशू है? नहीं मुझे इशू नहीं, आप बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की, आप बात कीजिए धरने की।
मनीष कश्यप की भी बात का इसलिए किया कि ईमानदारी पर जब मैंने कहा ना कि मरा हुआ विपक्ष, सोई हुई जनता, बिका हुआ कलम, तो ये बात कहा मैंने। मोदी जी की क्या बात करो, खुद कैमरा जीवी है, उनसे क्या पूछूं मैं। वो तो कह रहे कि सारे कांग्रेसी बैठे। अरे भाई अभी एकनाथ शिंदे, हम जहाँ महाराष्ट्र से आता हूँ मैं, अभी एकनाथ शिंदे को ही ऐसा साइड किए थे, भाई तुम बाजू हटो, मेरा फोटो नहीं आ रहा, वो वीडियो भी रहेगा तुम्हारे पास यूट्यूब पे भी। अब एक बात बताओ, सुनो बुरा नहीं मानना, अगर ब्रिजभूषण शरण की जगह पर ठीक है ना कोई मुसलमान होता तो अब तक उठा के ठोक देते। अच्छा, क्योंकि आप मुस्लिम है इसलिए बोल रहे हैं। आप मुस्लिम है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप पहलवान करिए, आप सुनेंगे 48, अभी यही पहलवानों ने 48 की 38 के। अरे यार आप बात तो सुनिए, जो नैरेटिव चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो मीडिया ने नैरेटिव बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, आप सुनिए, अभी ये जो ये पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया था, मैं बॉम्बे में देखा हूँ। अच्छा, तो आरोपी तो ये सिद्ध थोड़ी हुए हैं, ये भी आरोपी लगा है, ये आरोप ही तो लगा है, सिद्ध हो गया। आरोप की जांच कौन करेगा? आप एक लड़की हो, ये बात कर रहे हैं जी, आप नहीं, आप एक लड़की हो, आरोप 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 लगा है तो आरोप का जांच कौन करेगा? तो एफआईआर दर्ज हो गई है, कमेटी पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा। FIR तो इसके ऊपर 38 FIR पहले से भी बुक है, 39 भी हो गया, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना चार लाइन कि तुम अगर वोट देने का तो वो अंधभक्त है, उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है, अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि EVM टैम्परिंग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं नहीं मानता बीजेपी टैम्परिंग कर रही है EVM, वो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग माइक लेकर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और 10 लोगों को पकड़िएगा, 4 लोग बीजेपी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया, कहाँ से वो उसने EVM टेम्परिंग किया है? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती का आरोप लगा रहा है, विपक्ष में यूनिटी नहीं है ना इसका मतलब? हाँ नहीं है, मैं किधर, राज्य में अलग अलग मुद्दे होते हैं तो अलग अलग विपक्ष अलग अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो कैसा है ना कि दुखती रख सबके, उन सबका जो है ना उनके पास है, वो क्या होता है कि जैसे ही विपक्ष जब उछल कूद करता है ना तो उनका रग पकड़ के ऐंठ देते हैं, और जब अंधभक्त जब सच्चाई जान लेता है ना तो फिर उसे अंधभक्ति का डोज लगा दिया है, तभी तो पकड़ते हैं ना। हाँ, पकड़ने के लिए कुछ दिया तभी तो ऐंठते हैं ना। पकड़ने के लिए दिया है तो अगर सरकार बदलेगी तो इनको भी पकड़ा जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि बच्चा। पंचायत की कल जो मीटिंग हुई है, क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? हम भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, हम भी तो वही कर रहे हैं। भूषण शरण ने कहा, उनकी एक फोटो वायरल हुई, उन्होंने कहा देखिए साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक रही थी। एक बात बताइए, क्या कहेंगे? ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी तो मान लोगी? ये बताइए, तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगाया है इस पर, उन्होंने वही तो बात कह रहा हूँ मैं, आरोप लगाना और शीट करना अलग अलग दो बातें होती है। समझाने का प्रयास कर रही हूँ, FIR बुक होने के बाद जांच तो होनी चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं ना ये, तो जांच कौन कर, कमेटी बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR हो गया, बात खत्म होगी, अब मेरे पास मत आओ। सरकार इनकी जो भी इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये, तो आप अगर बोलते हो कि मैं मतलब साफ छवि का सरकार हूँ और इनके एक योगी जी मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, तो अगर आप जीरो टॉलरेंस के सपोर्टर हो तो फिर आप अपने, जब वो ब्रिजभूषण शरण जब बलात्कार किया ही नहीं है
कोई कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो उसने इस्तीफा दे के जांच करवा ले फिर अपने पोस्ट पर आ जाए, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है बताइए। मोदी और अमित शाह जी कहे तो मैं अभी इस्तीफा दूंगा। हाँ तो अभी एक बात बताइए, मैं यहाँ पर 10 लोगों का मर्डर कर दूँ और बीजेपी का नेता हूँ और मुझे पुलिस जब FIR बुक हो जाए तो बोले कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो ही मैं पद छोड़ूंगा और गिरफ्तारी दूंगा, तो ये बात हजम होगी क्या? तो आरोप, अरे बार बार यही कह रहा हूँ, आरोप अगर मैंने लगाया तो जांच कौन करेगा? वही तो समझाने का प्रयास करे, कमेटी बनेगी नहीं, कमेटी तो बन गई है पहले से, क्या बात कर रहे हैं, 2 महीने पहले 3 महीने पहले। अच्छा उसके ऊपर 38 उसके ऊपर, अरे मैडम उसके ऊपर 38 FIR और भी है ना, तो उसकी कमेटी आज तक क्यों नहीं बनी ये पता है? लेकिन राजनीति क्यों करने आ रहे हैं लोग, ये सवाल उठ रहा है ना? किस पर राजनीति कर रहे हैं? अगर इनकी बात पहले दिन सुन ली होती तो कोई राजनेता क्यों आता? जब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आते हैं ना। मौका किसने दिया? कह रहे हैं विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है, 24 की तैयारी जो चल रही है, छवि जो खराब कर रही है मोदी जी। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ, विपक्ष है कहाँ, विपक्ष मुर्दा है, ठीक है, विपक्ष मुर्दा है, ठीक है, विपक्ष है ही नहीं हमारे देश में। अगर तो अगर मान लीजिए विपक्ष रहता तो आज ये स्थिति देश की ना होती कि सरेआम हमारा प्रधानमंत्री बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया। आपको सबको पता, अभी गूगल कीजिए, बजरंग दल के कारनामे गूगल बताएगा, ठीक है ना? तो बजरंग बली क्या इस टाइप के थे क्या? मैं नहीं मानता, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ बजरंग बली का, तो प्रधानमंत्री हमारा, देखिए हमारा प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शिकारी है जो भोली भाली जनता का शिकार कर रहा है। कि मोदी जी जो है, बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं, मोदी जी ने कहा था ना, आप मीडिया वाले हो, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत व्यापारी बहुत साहसी होते हैं, वो सेना के जवान से भी बहुत साहसी होते हैं, ये बयान किया था मोदी जी ने बहुत पहले। तो मैंने उस पर बहुत खुश हुए हमारे देश के व्यापारी और उन्होंने दबा के वोट दिया। उसके बाद जो है, जब मोदी जी की तरफ देखे कि मोदी जी देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मोदी जी बोल रहे हैं अरे भाई ऐसे ना मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। आपको पता है ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया से ही ये सीढ़ी चढ़े। तो वो आगे कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुँचाऊँगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।